मैंने ना अभी जो रिसेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं मैंने उन सभी को एनालाइज किया एंड आई

लेट मी नो इन दी कॉमेंट में आपके लिए वो भी लिस्ट ले आऊंगी आपको सिर्फ ये क्या करना है जब आप रिविजन कर रहे हो तो आप उन टॉपिक्स को जरूर देखें ऑल्सो लेटमी टेल यू मैंने इन्हीं सभी टॉपिक्स के ऊपर एक पूरा डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है मैंने एक लाइव सेशन दिया था जो आपको इसी चैनल के लाइव सेशन में मिल जाएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप डायरेक्टली वहां पर जाकर उस टॉपिक को भी पढ़ सकते हैं और अगर आपको खुद से रिविजन करना है तो वो लिस्ट जो है वो मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ तो आप वो लिस्ट भी देख लीजिए तो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं बेटा इसके अंदर आपको कैलकुलेशन ऑफ मोल मोल का कन्वर्जन जो होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट नेक्स्ट इज माई डियर स्टूडेंट्स एम्पेरिकल फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला से कई बार क्वेश्चन आया है सो यू कै नॉट मिस दिस टॉपिक नेक्स्ट है लिमिटिंग लिमिटिंग रिएजेंट रिएजेंट तो आपसे इनडायरेक्टली भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है तो जैसे कि कोई ऑर्गेनिक ही रिएक्शन दे देंगे और उससे आपको लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो ये वाली चीजें जो है वो आपके लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट है मैंने सारे टॉपिक्स जो है वो डिटेल में डिस्कस भी किए हैं अगर आप लाइव सेशन जाकर देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपका मोलारिटी मोलालिटी मोल फ्रैक्शन पीपीएम ppb, percentage by परसेंटेज बाय मास परसेंटेज बाय वॉल्यूम ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है जो आपके सोल्यूशंस वाले चैप्टर में भी यूज होते हैं तो ये आप जरूर फोकस करिएगा ठीक है नेक्स्ट अगर हम चैप्टर की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर माईडियर स्टूडेंट्स आपके सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनमें से एक है बोहर अटोमिक मॉडल ठीक है बोहर अटोमिक मॉडल से डायरेक्टली जो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं रेडियस बोहर रेडियस से बोहर वेलोसिटी ये सारी चीजें जो है वो आपसे पूछी जा सकती है ठीक है नेक्स्ट है रिडबर्ग इक्वेशन बेटा रिडबॉग्स इक्वेशन से कौन सी सीरीज में क्या ट्रांजेशन हुआ उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछे गए हैं नेक्स्ट है योर डी डी इक्वेशन इक्वेशन से क्वेश्चन आते हैं हाइजनबर्ग प्रिंसिपल एंड द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट जिससे हर साल सवाल आता है मतलब सवाल मिस ही नहीं होता है दैट इज माई डियर स्टूडेंट मॉडर्न क्वांटम थियरी ठीक है क्वांटम नंबर्स जिसे कहते हैं उनसे रिलेटेड तो हर साल सवाल आता है तो इसको तो किसी भी हाल में नहीं मिस करना है ठीक है? अगर हम चैप्टर की बात करें, that is my dear students, thermodynamics. Thermodynamics अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगेन इसके अंदर टॉपिक्स कौन से कौन से इंपॉर्टेंट है सबसे पहले तो वर्क डन ठीक है रिवर्सिबल वर्क डन उसके जो जनरल फॉर्मुलाज हैं वो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट बेटा स्टेट फंक्शन वर्सेस पाथ फंक्शन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से सवाल आता ही आता है तो वो आपको क्लियर होना चाहिए टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस जो चार आपके अलग अलग टाइप के प्रोसेसेस होते हैं आइसोथर्मल आइसोबारिक आइसोकोरिक आइडियाबैटिक वो आपको क्लियर होना चाहिए अंथालपी और इंटरनल एनर्जी का रिलेशन जो होता है उससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछ लिया जाता है रिलेशनशिप आपकी सीपी वर्सेस सीवी के बीच में जो रिलेशनशिप है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एंट्रोपी से रिलेटेड

नेक्स्ट अगर हम बात करें देन दैट इज केमिकल इक्लिबीरियम केमिकल इक्लिबीरियम में अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओपन करके देखोगे तो जो सबसे ज्यादा सवाल आते हैं वो है इक्लिबीरियम कॉन्स्टेंट और उससे भी ज्यादा इक्लिबीरियम कॉन्स्टेंट की प्रॉपर्टीज उससे रिलेटेड बहुत बार बहुत सारे सवाल आए हैं तो आप इसको कभी भी मिस नहीं कर सकते हाँ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका केपी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं केपी के रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन और ली शैटलेयर प्रिंसिपल से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है ठीक है तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो किसी भी हाल में मिस नहीं करने हैं नेक्स्ट अगर हम देखें आयनिक एक्बीरियम तो ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट जो है आपका उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ठीक है पीएच कैलकुलेशन से आ सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस

नेक्स्ट है बेटा वैट ऑफ फैक्टर फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आपको उसकी क्लियरेंस होना चाहिए इनसे रिलेटेड कई बार आपके सवाल आए हैं ठीक है नेक्स्ट अगर हम देखें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बेटा नर्स इक्वेशन डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आया है लेकिन आपको नर्स इक्वेशन में कैसे ई नॉट ऑफ सेल निकालना है कैसे क्यू की वैल्यू निकालनी है कैसे आप ई एम एफ ऑफ सेल निकाल सकते हैं उसके ऊपर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा सकता ग्वेस् है ठीक है नेक्स्ट है बेटा कंडक्टेंस कंडक्टेंस से रिलेटेड डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ये तो न्यूमेरिकल होते हैं जो आपके डायरेक्ट फॉर्मुलाज होते हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो ये आपको क्लियर होना चाहिए लास्ट इज कॉलरॉश लॉ कोलर लॉ से क्वेश्चन आए हैं एंड uh, इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप डेफिनेटली इसके क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं लास्ट चैप्टर इज केमिकल काइनेटिक्स केमिकल काइनेटिक्स का बहुत ही सिंपल एंड सॉर्टेड सी चीज है हमेशा ऐसा ही हुआ है फर्स्ट ऑर्डर एंड दो ऐसे मेन टॉपिक्स हैं जिनसे सवाल आता है तो जब भी आप केमिकल कैनेटिक्स रिवाइज करेंगे तो इन दो पार्ट्स को तो आप किसी भी हाल में मिस नहीं कर सकते हैं ठीक है यस अगर आपको इनमें से कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम है आप कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक का ही क्लियरेंस लेना चाहते हैं अंडरस्टैंडिंग नहीं है उतनी तो मैंने लाइव सेशन के अंदर पूरा पूरा इनफैक्ट हर एक टॉपिक जो मैंने यहाँ लिखा है उसको कंप्लीट डिस्कस किया है उससे रिलेटेड एक दो सवाल भी आपको कराए हैं ठीक है तो आप लाइव सेक्शन के अंदर जाकर उसे देख सकते हैं मैं ट्राई करूंगी नीचे इसको मेंशन भी करवा दूंगी लाइव सेशन को ताकि आप अपने टॉपिक्स को क्लियर कर सके ठीक है आई होप ये वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा इन एनी वे पॉसिबल ठीक है अगर इसने हेल्प किया तो प्लीज मुझे बताना कि आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए भी क्या ऐसा वीडियो चाहिए आई डेफिनेटली ब्रिंग दैट फि यू टिल देन यू डोंट वेस्ट योर टाइम जस्ट कीप स्टार्टिंग ऑल द वेरी बेस्ट यू कैन डू इट डाउनलोड विजन नीट ऐप फॉर हेल्पलाइन एंड क्वेरीज कॉल नाइन सेवन वन वन नाइन सेवन फाइव थ्री फोर फोर